मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरा रंग ये है और मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। हम अपने बॉडी से कितने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आप जो ये बॉडी बिल्डर को देख रहे हो, इसके पास क्या नहीं है जो हम ड्रीम करते हैं ना कि हमारी ऐसी बॉडी हो, ऐसी हाइट हो, सब कुछ इसके पास। पर ये बंदा अपने फेस से इनसिक्योर था और उसके बाद इसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और कुछ ऐसे सही है ऐसा दिखने लग गया। तो सोचो, हम कितना भी कुछ आ जाए हमारे पास, हम उससे बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होते। हमको लगता ही नहीं कि ये सही है या नहीं है। दोस्तों हम अपनी अंदर की शक्ति से बिल्कुल भी ना समझ है, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। हर एक बंदे की ना अलग पहचान होती है, हर एक बंदे की। हमें लगता है कि बॉडी अगर हमारी बढ़िया है ना तो सब कुछ बढ़िया है। पर कई लोग अपनी मेंटल हेल्थ से, जो कि अपने सिर्फ दिमाग से काम चलाते हैं, कई लोग अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करते। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हो मुकेश अंबानी का, या फिर और भी कई सारे एग्जांपल जो अपनी बॉडी का यूज़ नहीं करते, अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम ना जाने क्या क्या सोचते हैं कि हमारी बॉडी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मगर हम इतने इनसिक्योर हो चुके हैं ना कि हम जीना ही भूल गए हैं। खासकर ये फ़ोन जब से हमारी ज़िंदगी में आया, हम इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं कि हम अब सारा दिन अपने बारे में सोचते रहते हैं, काश हमारी बॉडी होती और इस बंदे की तरह हमारी GF होती, वो होता, सब कुछ होता। दोस्तों सब कुछ किसी के पास नहीं हो सकता, मैं अभी बता रहा हूँ, सब कुछ किसी के पास नहीं हो सकता। जैसे रोनाल्डो है, आज उनके पास बहुत कुछ है पर उनके फादर नहीं है। ऐसे ही विराट कोहली, आज उनके पास इतना कुछ है पर उनके फादर नहीं है, और वो इस चीज़ का रिग्रेट करते हैं और हमेशा रिग्रेट करते रहेंगे। भगवान ने ना सबको अपने हिसाब से, अपनी उनकी मेहनत के हिसाब से, सबको उनके हिसाब से ही सब कुछ दिया है। किसी को पैसा दिया है तो हेल्थ बहुत बेकार दी है, किसी को दोनों चीज़ दे दी है मगर कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में फिर भी मिस रहता है, वो और ज़्यादा बड़ा सोचते हैं। वही बात है ना कि किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है, और यही सारे सोचते रहते हैं कि हमारे पास वो था, ये होता, और यही लाइफ साइकिल चलती रहती है। मगर जिस दिन आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे ना, वही असली जीवन होगा।